हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी मैं बता रही हूँ ये बुक्स के बारे में। आज मैं टॉपिक्स दिखाऊंगी, सारा सारा टॉपिक्स इसमें दिया हुआ है सारे बुक्स में। तो एक ये है जो टीजीटी पीजीटी के लिए है, बायोलॉजी का, उसका है। तो ये मैं दिखा रही हूँ, तो मैं पढ़ पढ़ कितना पढ़ी हूँ, फट गया है। सो अभी मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। 11th ही है ये, एनसीईआरटी जी विज्ञान की, और ये 12th की है। ये दोनों तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोनों अच्छा होता है। सबसे इसमें सारा दिया हुआ है, लेकिन ये एकदम अच्छे से क्लियर हो जाता है, इसके लिए है। बाकी मैं 3 बुक और ली हूँ। ये है कोशिका विज्ञान अनुवंशिकी पी के गुप्ता की, इसमें भी सारा टॉपिक्स है, जितने सारे कोशिका विज्ञान के हैं इसमें सारा टॉपिक्स है। मैं सारा टॉपिक्स छाट के रख ली हूँ, जैसे टीजीटी के लिए अलग, पीजीटी के लिए अलग। तो मैं सारा टॉपिक्स इसमें अपना इधर देखिए सब, मैं इसमें सारा टॉपिक्स है, जो जो टॉपिक दिया हुआ है मैं सब टॉपिक्स पे अपना डॉट लगा ली हूँ। उसके बाद मैं उसी हिसाब से अपना पढ़ूंगी। इसका है ये है, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये 2-3 बुक तो बहुत ज़रूरी है। ये कशेरुक भी प्राणी विज्ञान कोटपाल की है, आर्यल कोटपाल की ये वाली बुक। इसमें भी सारा दिया हुआ है पूरा, जितना ये मोलस्का ये सब होते हैं, कैंडोरमेटा प्रोटोजोआ सब दिया हुआ है। मैं सारा का छाट के रखी हूँ, जैसे जो पीजीटी और टीजीटी का दोनों सिलेबस है, जिसमें से पीजीटी में और टीजीटी का तो पूरा एकदम सेम है, थोड़ा बहुत एक टॉपिक का डिफरेंस है बस, बाकी सब सेम है। तो मैं सबका टीजीटी का भी पीजीटी का भी दोनों का मैं एकदम पूरा सिंबल लगा लगा के रखी हूँ, जो टीजीटी में आया जो पीजीटी में आया दोनों का। तो सब दिया हुआ है, तो मैं दिखाती हूँ। देखिए कार डेटा दिया हुआ है, कार डेटा का सारा दिया हुआ है एकदम, कार डेटा जंतुओं का संसार संकार डेटा, इसमें जितने पूरे कार्डेश उजनान कार्डेश समान लक्षण सब ये पूरा पढ़ना है, वन जीवन चक्र सब पढ़ना है, तो सब दिया हुआ है। प्रोटो कार्डेश ये भी पढ़ना, तो ये दिया हुआ है। हारमोनिया ये भी दिया हुआ है, मैं सब पढ़ ये पीजीटी और टीजीटी दोनों में है। ब्रैकियोस्टोमा ये एम्फीऑक्सस ये भी दोनों में है, ये पीजीटी में तो है, टीजीटी में कम है, लेकिन पीजीटी में ज़्यादा है पूरा है। ये प्रोटो कार्डेटा है जो दोनों में है। इसमें से अभी कोई नहीं है, स्कोलियोडॉन है, ये सब है, लेविया रोबेटा फिश वगैरह का सब पर आता है। ये वर्ग उभयचर या एम्फीबिया इसका है, ये टीजीटी पीजीटी दोनों में दिया हुआ है। तो ये दोनों का सारा पूरा एकदम दिया हुआ है अच्छे से पूरा डिटेल में, हर एक जिसमें ये मेडा को भी सब का दिया हुआ है। कोई दूसरे बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है एम्फीबिया का, जो टीजीटी पीजीटी दोनों में दिया हुआ है, ये भी दोनों में दिया हुआ है। हार्डमनिया इकाई सब कटीला पुचकली वर्ग सरीसृप रेप्टाइलिया सब दोनों में दिया हुआ है। कोलम्बिया लिबिया सब दिया हुआ है, पछी एवीज सब दिया हुआ है। पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, ये तो अच्छा है बुक पूरा। तो मैं अभी इसको भी पूरा कंप्लीट नहीं की हूँ, क्योंकि पूरा कंप्लीट पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ेंगे तभी अच्छे से याद हो पाएगा। ये है एक, ये है एक, मतलब इंग्लिश वाली बुक तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन हिंदी में ये सब जियोलॉजी की बुक नहीं मिलती है, तो मुझे हिंदी में ही चाहिए था, क्योंकि हिंदी मीडियम से ही मैं पढ़ाई की हूँ, तो हिंदी का ही चाहिए, हिंदी का सही रहता है। इंग्लिश का तो BCM ऐसे इंग्लिश में ही है, लेकिन शुरू से जो हिंदी में पढ़ा रहता है हिंदी ज़्यादा कम्फर्टेबल रहता है, तो मुझे हिंदी का चाहिए था। जो ऑनलाइन ही मंगाए हो, क्योंकि कहीं भी हिंदी में नहीं मिलता ये ऑनलाइन, वो इंग्लिश में मिल जाएगा हर जगह शॉप पे मिलता है, लेकिन हिंदी में कहीं नहीं मिलता है। तो मैं ऑनलाइन मंगाई हूँ, अमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों पे मिलता है। तो अमेजॉन पे थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, लेकिन फ्लिपकार्ट पे कम है, अगर मतलब प्राइस की बात हुई तो फ्लिपकार्ट कम रहता है। तो मैं फ्लिपकार्ट से ही मंगाई हूँ, क्योंकि पढ़ने वालों के लिए सब कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो मैं उस हिसाब से अपना कर रही हूँ। ये है देखिए, इसमें भी सारा टॉपिक्स है, अकशेरुकी जंतु युगलिना का सारा इसमें दिया है। युगलिना का जैसे दिया है, संघ प्रोटोजीवा का वर्गीकृत मतलब 21 उसमें दिया है, स्वाभाविक एवं आवश्यक 21, हर एक चीज़ का जितने जितने टॉपिक्स होंगे उसमें अलग अलग करके सबका दिया हुआ है, ज़्यादा ज़्यादा पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये भी टीजीटी पीजीटी दोनों में दिया हुआ है। एंटाविम्बा हिस्टोलिटिका इसमें भी सारा दिया हुआ है, जैसे देखिए वर्गीकृत स्थान जनन एवं जीवन वृत्त सब दिया हुआ है। पैरामीशियम कॉर्डेटम ये भी दोनों में दिया हुआ है, टीजीटी पीजीटी दोनों में। तो मैं दोनों में टमाटिक लगा कर रखी हूँ सबका, मतलब सिलेबस पहले मैं मिला ली हूँ, उसके बाद अपना पढ़ाई शुरू की हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये है प्रोटोजोवा लक्षण एवं वर्गीकरण, इस प्रोटोजोवा का भी दोनों में दिया हुआ है। प्रोटोजोवा का सामान्य विवरण
साइकोस्पोंडिया, फोरीफोरा, ओबिलिया, ये भी दोनों में दिया हुआ है। अरिलिया जेलीफिश जो है, जो ये टीजीटी मेवल ने दिया हुआ है, सिलेंट्रेटा दोनों में दिया हुआ है। सबका डिटेल में अच्छे से दिया हुआ है इस बुक में। वैसी वाला जो टीजीटी में दिया है, पीजीटी में नहीं दिया हुआ है, ये भी दोनों में दिया है। टीनिया सोलियम का पीजीटी दोनों में, प्लेटियल मेंथीज वाली टीजीटी में दिया है, स्केरिस भी टीजीटी में दिया है। ये पाउशेरिया जो है दोनों में दिया हुआ है, हेलमेंथीज नीरिस ये सब दोनों में दिया हुआ है, हार्डविनिया ये नीलिडा ये सब दिया हुआ है दोनों में। इसमें सारे टॉपिक्स हैं अच्छे से, एकदम पूरा टॉपिक्स अच्छे से है पूरा। अगर कोई भी अच्छे से एकदम प्रिपरेशन करना चाहता है तो ये बुक ले ले, एकदम पूरा सही बुक है। मैं भी अपना कर रही हूँ, लेकिन पूरा एक्सपीरियंस तो है नहीं, लेकिन पूरा मतलब सिलेबस का टॉपिक्स तो दिया है, तो उस हिसाब से ही करना है, सिलेबस के हिसाब से ही तो पूरा है। इसमें एक और बुक है जो मैं दिखाती हूँ बॉटनी की, ये बुक है बॉटनी की, ये भी मैं हिंदी में ली हूँ, क्योंकि मैं सारा बुक हिंदी में ली हूँ, हिंदी में पढ़ने में कम्फर्टेबल हूँ मैं, तो हिंदी में ही ली हूँ। तो ये सिंह पांडे जैन की है, अच्छी खासी मोटी बुक होती है, बी एस सी में जो किया जानता ही है, लेकिन बी एस सी में थोड़ा सा पतला रहता है, ये बहुत ज़्यादा मोटा है। मैं अपना हिंदी में ली हूँ, बी एस सी में तो इंग्लिश था, लेकिन मैं हिंदी में अभी ली हूँ, क्योंकि मुझे एकदम अच्छे से समझना है, पूरा क्लियर करना है इस बार, इसलिए। तो ये देखिए, जिसमें ये सारा दिया हुआ है, हमें एल्गी पढ़ना है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, साइनोफाइसी, नॉन स्टॉक, ये सारा पढ़ना है, सब इसमें दिया है, वॉल्बेकेजी, क्लोरोफाइसी, ये सब दिया हुआ है, जो टीजीटी पीजीटी दोनों में दिया हुआ है, जिसमें सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, अच्छे से एकदम मिल जा रहे हैं। जिसके लिए इसके लिए मुझे एक और बुक की ज़रूरत है, जो मैं अभी मंगाई नहीं हूँ ऑनलाइन, मंगाऊँगी, क्योंकि इसमें एक कोशिका विज्ञान है, उसका टॉपिक्स पूरा कवर नहीं है, जिसमें सब हमें स्पाइसेस ट्री वगैरह का बड़ा पढ़ना है, तो उसके लिए मैं अभी बुक मंगाऊंगी, लेकिन वो अभी इसमें मैं कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद ही। इसमें देखिए, ये भी सारा दिया हुआ है, ये सब हमें पढ़ना है, जो टीजीटी पीजीटी दोनों में दिया हुआ है, मैं टिक लगा कर रखी हुई हूँ। इधर ये फंजाई वगैरह सबका, एलगी सबका दिया हुआ है, जिसमें जो पढ़ना है, इधर ये दोनों दिया, जो दोनों में दिया हुआ है तो मैं मैच किया है, तो मैं उसका ट्रिक लगा ली हूँ दोनों का, जो कंप्लीट करके। ये ब्रायोफाइटा का दिया है, ब्रायोफाइटा का तो पूरा एकदम पूरा डिटेल में पढ़ना है, सारा सिलेबस में दिया हुआ है, पूरा डिटेल एकदम पूरा डिटेल में छाट छाट के देख ली कौन कौन सा है, कौन कौन सा, तो मैं सारा कर ली बस। मैंने ये थ्री नहीं दिए थे सिलेबस में, तो नहीं किए, बट पढ़ना ही है, पढ़ना है तीनों को भी। टेरिडोफाइटा का भी ये सारा दिया हुआ है, शुरू के इस समान लक्षण सब दिए हुए हैं, एक आध टॉपिक शायद नहीं दिए थे जो मैं अभी लगाई नहीं हूँ, लेकिन पढ़ूँगी तो सारा ही, लेकिन जो मैंने ये सब ज़्यादा दिए हुए हैं पूरा हाईलाइटेड हैं, तो इनको पढ़ना ज़रूरी है। इधर ये मार्सिलिया, टेरिडोफाइट्स ये सब दिए हुए हैं, या ना वृत्त बीजी में भी दिए हुए हैं, इसको भी सारा ही पढ़ना है। ये डबल कर करके दिए हुए हैं, टेरिडोफाइटा का एक बार और चैप्टर दे दिया है, मैं डबल डबल करके जिस किताब होगा उसको भी दे दिया। इधर मैं दोनों का अपना अच्छे से मैच करके अपना पूरा लगा ली हूँ, एक बस ओनली एक रह गया है, तो उसके लिए मैं अपना घटना चक्र का एक सॉल्व पेपर आता है घटना चक्र, वो तो बहुत अच्छा आता है, उसी को लेना है, वो लूँगी, और ये पढ़ने के बाद, सारा बुक पढ़ने के बाद वो घटना चक्र लगाऊंगी। अभी एग्जाम डेट तो आया नहीं है, घटना चक्र प्रैक्टिस सेट लगाना है, और ये दोनों प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, बाकी स्पाइसेस वगैरह सब ट्रिक आए, तो उसके लिए दूसरा बुक्स लेना ही लेना है, देखते हैं। अभी फिलहाल तो अभी ये बुक्स बहुत ज़रूरी है शुरू के लिए, ये शुरू में ये बुक्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये इसमें सारे दिए हुए हैं। राइटर तो सारे अच्छे होते हैं मुझे, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे आर्यन कोटपाल सर की बुक अच्छी लगी, और इसमें सारे अच्छे से डिटेल में पूरा एकदम दिया है, जो भी टॉपिक्स दिया है। तो इन तीन चार बुक तो शुरू में बहुत ज़रूरी है, शुरू में सबसे पहले तो ये 11th 12th की एकदम कंप्लीट अच्छे से पढ़ लें, ये 11th और 12th वाली पढ़ लें अच्छे से, फिर अपना ये शुरू करेंगे तो अच्छे से पता रहेगा, क्योंकि ये अच्छे एकदम क्लियर दिया हुआ है, बेसिक से है ना, तो ये एकदम अच्छे से क्लियर हो जा रहा है, तो इसको पढ़ने में एकदम अच्छे समझ में आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर पूछिए, चैनल पर बाय, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।